नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए 2020 के सभी पुरस्कार 6 महीने के यानी कि जनवरी से जुलाई तक जितने भी 2020 में अवार्ड बांटे आ चुके हैं सबकी एक लिस्ट लेके आए एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर अच्छी लगे तो वीडियो। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो फ्रेंड हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने अवार्ड्स बांटे हैं अपने क्रिकेट श्रेणी में, तो इसे पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला गया, तो आप देख लेंगे फोटो जानते ही होंगे इन्हें। इनका नाम है क्विंटन डिकॉक। इन्हें फ्रेंड पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला है और प्लेयर ऑफ द ईयर भी मिला है और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तीनों अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं और ये दक्षिण अफ्रीका ने अभी बांटे हैं। बात करूँ ये महिला जो खेल रही हैं क्रिकेटर, इन्हें भी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का मिल चुका है। इनका नाम है लारा वोलवाइट, ठीक है याद रखिएगा। लेकिन क्विंटन डिकॉक ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका इन्हें पुरुष अफ्रीका का पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अभी ये इन्हें चुना गया है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 जीता है। तो किसने जीता है फ्रेंड्स, ये जीता है NTPC लिमिटेड ने, याद रखिएगा। बता दूं NTPC जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है ने फ्रेंड्स ये सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 जीता है, ठीक है याद रखिएगा इस क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय मूल के दो शख्सियतों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को, फ्रेंड्स सिद्धार्थ मुखर्जी ये हैं और जो प्रोफेसर राज चेट्टी हैं वो ये हैं, और इन्हें किस देश में वर्ष 2020 के महान प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा अमेरिका के, तो अमेरिका देश के महान इमिग्रेंट जो अवार्ड होता है या प्रवासी सम्मान होता है इसे सम्मानित किया जाएगा अमेरिका में, ठीक है। और हाल ही में इन्हें अवार्ड दिया गया है यानी कि जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है ना 4 जुलाई को मनाया जाता है, उसी दिन इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। तो अमेरिका ने प्रदान किया गया और दो शख्सियत हैं, सिद्धार्थ मुखर्जी आप देख सकते हैं लेफ्ट में और प्रोफेसर राज चेट्टी इधर हैं। मैंने इसलिए पिक रखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है, तो फ्रेंड्स ये जीता है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार अवार्ड जीत लिया है, ये याद रखेगा। हिमाचल प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर, यहाँ की जो राजधानी है वो शिमला है, ठीक है। तो याद रखेगा ई पंचायत पुरस्कार मिला है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वें वार्षिक BET अवार्ड समारोह का वर्चुअली आयोजन जो आयोजन है वो वर्चुअली किया गया, इसमें किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड प्रदान किया गया, किसे दिया गया ये अवार्ड। तो फ्रेंड्स ये दिया गया पॉप स्टार बियोंस को, तो पॉप स्टार बियोंस को 20वें वार्षिक BET अवार्ड से ये सम्मानित किया गया, ठीक है याद रखिएगा। और फ्रेंड एक इसमें एल्बम ऑफ द ईयर भी दी जाती है, वीडियो ऑफ द ईयर भी जाती है, लेकिन फ्रेंड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इसमें ये इम्पोर्टेंट है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे प्रदान किया गया BET, तो ये पॉप स्टार बियोंस को दिया गया, इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। तो फ्रेंड हाल ही में डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को नेपाल द्वारा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। इनका नाम है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं और इन्हें याद भी रख सकते हैं नाम से, ठीक है। तो इन्हें ये अवार्ड मिलेगा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार, याद रखेगा, ठीक है कन्हैया त्रिपाठी। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में कैसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया होगा। फ्रेंड फोटो देख के आप पहचान तो गए होंगे, इनके जाने माने अर्थशास्त्री हैं। तो फ्रेंड इनका जो नाम है वो है अमर्त्य सेन, इन्हें फ्रेंड नोबेल इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो इन्हें ही जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया, अमर्त्य सेन इनका नाम है याद रखिएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, आठवां क्वेश्चन, 2020 में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, ये की गई है शोभा अख्तर को। तो शोभा अख्तर जो कि भारतीय संगीतकार हैं और इन्हें मेडल ऑफ द ईयर मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, शोभा शेखर इनका नाम है, ठीक है आप फोटो देख सकते हैं, ये शोभा शेखर है, इन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है, तो ये भारतीय संगीतकार है। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो अभी घोषणा की गई है खाद्य पुरस्कार की यानी कि फूड अवार्ड की, ऐसे कहते हैं वर्ल्ड फूड अवार्ड,
तो किसे मिलेगा फ्रेंड्स ये? तो डॉक्टर रतनलाल जी को ये अवार्ड मिलना है। और फ्रेंड बता दूं, जो खाद दिवस कब मनाया जाता है वर्ल्ड में, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी अक्टूबर तो आई नहीं है, और अक्टूबर को ही इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा जब वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में ये फ्रेंड भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाद्य पुरस्कार के लिए इन्हें अवार्ड दिया जाएगा डॉक्टर रतनलाल जी को। 16 अक्टूबर को इन्हें अवार्ड दिया जाएगा खाद्य दिवस के दिन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो EY ये कहते हैं एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए किसे चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, अगर आपको पता होगा तो इनका नाम है किरण मजूमदार शॉ, और इन्हें ही अभी EY वर्ल्ड एंटरप्रेनर ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया। इनका नाम याद रखेगा, ये अभी बायकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इन्हें इस अवार्ड के लिए भी चुना गया। किरण मजूमदार शॉ इनका नाम है। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, 2020 में किस भारतीय को नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है रंजीत कुमार, और इन्हें अभी नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां है, 2020 को किस भारतीय को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो आप तो इन्हें जानते ही हैं फ्रेंड, जाने माने संगीतकार, भारतीय गीतकार भी हैं, और जावेद अख्तर इनका नाम है, और इन्हीं को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में किस भारतीय लेखक को एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो क्या है इनका नाम? तो फ्रेंड इनका जो नाम है वो है कृतिका पांडे, आप देख सकते हैं फोटो, ये हैं कृतिका पांडे। और इनकी जो बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, मैं बुक दिखा दे रहा हूँ, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक बुक का नाम है, और इसी के लिए इन्हें राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार मिलेगा, इसी बुक के लिए। बुक जरूर याद कर लेना, पूछी आ सकती है बुक्स में, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, ठीक है। तो ये कृतिका पांडे की है। अगला क्वेश्चन 14वां, 2020 में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो किसे घोषणा की गई है? ये की गई है मेजर सुमन गवानी, मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड ये पुरस्कार पाने वाली है पहली भारतीय महिला शांति दूत होंगी, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है मेजर सुमन गवानी, ठीक है, नाम याद रखिएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे वर्ष 2020 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये किया गया है वाइस एडमिरल विनय बदभार, ये हैं वाइस एडमिरल विनय बदभार, और नहीं 2020 के अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से प्रदान किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां क्वेश्चन है, किस भारतीय पत्रकार को मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए ड्यूश बेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020, ठीक है, अवार्ड का नाम याद रखना, ड्यूश बेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो क्या है इनका नाम? तो इनका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सिद्धार्थ जी हैं, और इन्हें ही अभी ड्यूश बेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है, याद रखिएगा, सिद्धार्थ वरदराजन। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी फेड कप हॉट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं? तो आप फोटो से तो आपने पता ही लगा लिया होगा, नाम भी लिखा है। तो फ्रेंड बिल्कुल सानिया मिर्जा जी को इन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। सानिया मिर्जा जो कि एक भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने मिर्जा फेड कप हॉट अवार्ड 2020 जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है, सानिया मिर्जा इनका नाम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18वां, 2020 के लिए पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई, इसमें आलोचना श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार ऐसे प्रदान किया जाता है, ये सिक्के हैं, और किसे प्रदान किया गया फ्रेंड्स? ये प्रदान किया गया क्रिस्टोफर नाइट को, आलोचना श्रेणी में मिला, ठीक है, और यही एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर आलोचना श्रेणी में, तो आलोचना श्रेणी में मिला क्रिस्टोफर नाइट को, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं, 19वां, तो 19वां क्वेश्चन है, 2020 में किस भारतीय कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड जीता है? एडिसन अवार्ड सामाजिक नवाचार में किसने जीता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता टाटा पावर ने, आप लोगों देख सकते हैं, तो टाटा पावर ने ही हाल ही में सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन अवार्ड
जीता है और इसने ये जो पुरस्कार है उसने क्लब एनर्जी स्विच ऑफ स्विच ऑन इसके लिए जीता है, ठीक है, एनर्जी के लिए जीता है बेसिकली टाटा पावर ने। आपको नाम याद रखना है केवल टाटा पावर। इसने अभी एडिसन अवार्ड जीता है 2020। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को ये हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये नवीन पटनायक जी हैं और इन्हें ये अवार्ड मिला हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020, याद रखिएगा। और करंटली ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में किसे सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया फ्रेंड्स, ये किया गया जोया अख्तर जी को। तो आप देख सकती हैं यह जोया अख्तर और इन्हें ही IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया। और फ्रेंड्स क्योंकि इन्होंने जो 2011 में जो अपनी एक मूवी बनाई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और एक और 2015 में फिल्म बनाई थी दिल धड़कने दो, उसकी शूटिंग में फ्रेंड इन्होंने टूरिज्म में काफ़ी प्रभाव डाला, यानी कि टूरिज्म के लिए एक तरह की काम किया और इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया जोया अख्तर जी को, ठीक है, याद रखिएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में किसे वर्ष 2019 का 29वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो किसे घोषणा की गई, ये की गई प्रोफेसर रूप मलिक, इन ये आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो, प्रोफेसर रूप मलिक हैं और इन्हें ही 2020 में 29वां जीडी बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की, प्रोफेसर रूप मलिक, नाम याद रखना। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया। तो किसे प्रदान किया गया, ये फ्रेंड्स PV संधू है इनका नाम, जो कि इन्हें BBC इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार किया गया। और फ्रेंड इसकी जो सेरेमनी है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी और जो BBC के महानिर्देशक हैं टोनी हॉल ने इन्हें सम्मानित किया। और इस सम्मेलन में फ्रेंड भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल रहे। और किसे दिया गया स्पोर्ट वूमेन ऑफ द ईयर, तो PV संधू को दिया गया। 24वां देख लेते हैं, 2020 में प्रतिष्ठित पुलतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो ये हैं यावोन फारेल और शैली मैकनमारा। यावोन फारेल ये हैं और शैली मैकनमारा ये हैं, तो इन्हें ही दोनों को आर्किटेक्चर पुरस्कार पुलतजर में आर्किटेक्चर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इन्हें ही पुलतजर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका नाम है यावोन फारेल और शैली मैकनमारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 25वां, 2020 को घोषित ESPN इंडिया अवार्ड 2019 अंतर्गत लगातार तीसरी बार किसने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल चुना गया। तो किसे चुना गया, तो ये भी चुना गया PV संधू, आप देख सकते हैं PV संधू है और इन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूँ, इसमें एक और ESPN में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिलता है, तो वो किसे मिला है, वो अभी जो उनकी डेथ हो गई है बलवीर सिंह सीनियर, इन्हें ये हॉकी के खिलाड़ी हैं और इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड BBC का मिला है, ठीक है, ये भी याद रखना। और PV संधु हैं, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल में चुना गया है। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह का आयोजन मुंबई में किया गया, इसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं सुपर 30 मूवी आई थी जिसका अभिनय किया था ऋतिक रोशन ने और इन्हीं को ये बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला हुआ, ऋतिक रोशन इनका नाम है। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी वो भी सुपर 30 थी, ठीक है, और ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में देखा गया। और इसमें एक और मेन क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक रियलिटी शो, सर्वश्रेष्ठ रियलिटी शो किसे मिला है, तो वो मिला था फ्रेंड बिग बॉस 13 को, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। रियलिटी शो आए तो बिग बॉस आपको लगाना है, और मूवी आए तो दादा साहेब में, तो सुपर 30 को आपने लगाना है। और ऋतिक रोशन ने इसमें अभिनेता बेस्ट अभिनेता के रूप में सामने आए। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, लॉरिशियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का वितरण किया गया, इस संबंध में इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो इसके फ्रंट सभी सही हैं, मैं बता दूं बी ऑप्शन क्या है, स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी और लुइस हैमिल्टन को चुना गया है, और जो स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर हैं वो अमेरिका की जिमनास्ट हैं, जिमनास्ट से संबंधित हैं और सिमोन बाइल्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अमेरिका की हैं ये। और लॉरिशियस सपोर्टिंग
स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर सचिन तेंदुलकर को चुना गया। तो तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सभी ऑप्शन सही हैं। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय को डैन डेविड प्राइज 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो ये की गई है फ्रेंड प्रोफेसर गीता सेन, आप देख सकते हैं प्रोफेसर गीता सेन है और इन्हें ही डैन डेविड प्राइज 2020 का अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29वां, 2020 को वितरित 92वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। तो किसे पुरस्कार प्रदान किया गया, ये हो गया पैरासाइट, आपने देख भी ली होगी, काफ़ी अच्छी मूवी है, तो इसे 92वें ऑस्कर का अवार्ड मिला हुआ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट। फ्रेंड इसके डायरेक्टर पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड जिसे ऑस्कर मिले उसके डायरेक्टर हमेशा याद रखेगा, अगर नहीं है याद तो चलिए मैं बताता हूँ। तो ये हैं बोंग जून हो, ये आप देख सकते हैं ये डायरेक्टर हैं इस मूवी के, बोंग जून हो इनका नाम है, साउथ कोरियन है और साउथ कोरियन मूवी है पैरासाइट। इन्हें बेस्ट अवार्ड मिला है फ्रेंड, बेस्ट मूवी का पैरासाइट 2020 का ऑस्कर मिल चुका है इसे, ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और फ्रेंड एक चीज़ और बता दूं, इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो है जोकिन फिनिक्स को मिला है, जो कि जोकर के लिए उन्हें मिला है, और आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो ही आप देख सकते हैं ये रैनी ज्वेलगर हैं, रैनी नाम याद रखिएगा इनका, रैनी ज्वेलगर, ठीक है ज्वेलगर इनका नाम है, और इन्हें फ्रेंड्स बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 30, तो 30 क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 किसने जीता है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जीता है नोवाक जोकोविच और सोफिया कीनन। तो ये नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल में जीता है और जो सोफिया कीनन है महिला एकल में जीता उन्होंने, ठीक है दोनों याद करने हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बता दूं नोवाक जोकोविच जो कि अभी इन्हें कोरोना वायरस भी हो गया था और ये सर्बिया देश के हैं, और जो सोफिया कीनन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, महिला एकल जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया ओपन इन्होंने जीता है और ये अमेरिका से, अमेरिका देश से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है सोफिया कीनन इनका नाम है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2020 के लिए किसे टाइलर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। टाइलर पुरस्कार, तो फ्रेंड्स ये मिला पवन सुखदेव और डॉक्टर ग्रेचन सी डेली को अवार्ड मिला, ये डॉक्टर ग्रेचन सी डेली और ये हैं पवन सुखदेव, याद रखिएगा ठीक है। तो इन्हें अभी टाइलर पुरस्कार 2020 अवार्ड मिला है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 25 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई और कुछ कथन दे रखे हैं, तो मैं बता दूं वैसे तो सारे ही कथन सही है, तो आंसर पहले पढ़ लिए जाएं। तो इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 पद्म पुरस्कारों प्रदान करने की मंजूरी दी और इसमें 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया और तीसरा है प्रसिद्ध खिलाड़ी जो पीवी संधु हैं उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जो मुक्केबाज हैं प्रसिद्ध मैं एमसी मैरीकॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो मैं लिस्ट लाया था एमसीक्यू पद्म पुरस्कार से जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए 33वां देख लेते हैं, 16 जनवरी 2020 को किसे 2019 के 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। तो फ्रेंड इनका नाम है वासुदेव मोही, आप देख सकते हैं ये हैं वासुदेव मोही और इनकी जो बुक है ये जरूर याद कर लेना, चेक बुक नाम है इसके लिए ना सरस्वती सम्मान का अवार्ड मिला, वासुदेव मोही इनका नाम है, ठीक है याद रखिएगा। 34वां देख लेते हैं, SIGE गवर्नेंस अवार्ड 2019 अभी प्रदान किया गया 2020 में ही फरवरी माह में और ये किसे प्रदान किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हरियाणा सरकार को मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ने अवार्ड लिया ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 के लिए और 2020 में ये बांटा गया, ठीक है याद रखिएगा, हरियाणा सरकार को मिला हुआ है ये। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, जनवरी 2020 में भारतीय मूल की किस लेखिका को उनके पहले उपन्यास आशा एंड स्प्रिट वर्ड के लिए यूके के कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया, इनका नाम है जसविंदर बिलान, ठीक है इन्हें सम्मानित किया गया आशा एंड स्प्रिट बर्ड, ठीक है इनका ये नोवेल है ये जरूर याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। तो कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया। कोस्टा कौन, चिल्ड्रन बुक कौन देता है, तो यूके देती है, ठीक है यूके के पीएम कौन है, बोरिस जॉनसन है,
और इन्हें नोवेल है इनका आशा एंड स्प्रेड बर्ड और इनका नाम है जसविंदर बिलान, इन्हें ये अवार्ड मिल गया है। तो दोस्तों ये थी टॉप 35 MCQ जो कि करंट अफेयर पे बेस्ड थी, करंट अफेयर बुक्स पे बेस्ड थी और 6 महीनों की। इसमें जितने भी अवार्ड मिल चुके हैं उसकी ये MCQ मैं आपके सामने लाया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।